हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा विभिन्न वैकेंसियां जैसे कि व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा प्रधान पाठक समेत विभिन्न वैकेंसियां निकाली गई है। इन पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए तथा आप इसे कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप इसका ऑफिशियल विज्ञापन देख पा रहे हैं। तो यह विज्ञापन 7 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी जानकारी। तो इसमें लिखा गया है कि जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम के शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्रतापपुर, जयनगर, भुवनेश्वरपुर, ओड़गी, भैयाथान तथा प्रेमनगर में शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए संविदा प्रतिनियुक्ति व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला तथा माध्यमिक शाला के लिए की संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 18 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे तक आवेदन आप स्पीड पोस्ट या डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में जमा किया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि रिक्त पदों की संख्या यहाँ कितनी है। इसमें पहला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रतापपुर, यहाँ व्याख्याता इंग्लिश मीडियम का पोस्ट खाली है, जिसमें वाणिज्य का एक पोस्ट है तथा सामाजिक अध्ययन का एक पोस्ट है तथा आपको मानदेय के रूप में 38,100 रुपये प्राप्त होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भुवनेश्वरपुर, यहाँ भी व्याख्याता इंग्लिश मीडियम का पोस्ट खाली है, जिसमें वाणिज्य का एक पोस्ट तथा जीव विज्ञान का एक पोस्ट, यहाँ भी आपको मानदेय के रूप में 38,100 रुपये प्राप्त होगा तथा ये सब पोस्ट संविदा भर्ती हैं। अगला देखते हैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओड़गी, यहाँ भी व्याख्याता का पोस्ट है, जिसमें वाणिज्य का एक पोस्ट, सामाजिक अध्ययन का एक पोस्ट, भौतिकी का एक पोस्ट, जीव विज्ञान का एक पोस्ट तथा गणित का एक पोस्ट है, यहाँ भी आपको 38,100 रुपये मानदेय के रूप में प्राप्त होगा, ये भी संविदा भर्ती है। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भैयाथान, यहाँ भी व्याख्याता इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी की एक पोस्ट है, वाणिज्य का एक पोस्ट है तथा सामाजिक अध्ययन का भी एक पोस्ट है, यहाँ भी आपको मानदेय के रूप में 38,100 रुपये प्राप्त होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रेमनगर, यहाँ भी व्याख्याता का पोस्ट खाली है अंग्रेजी मीडियम से, जिसमें अंग्रेजी विषय से एक पोस्ट है, अंग्रेजी से एक पोस्ट और है, वाणिज्य से एक पोस्ट है, सामाजिक अध्ययन का एक पद है, भौतिकी का एक पद है तथा जीव विज्ञान का भी एक पद है, यहाँ भी 38,100 रुपये मानदेय के रूप में मिलेगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रतापपुर, तो यहाँ शिक्षक का पोस्ट खाली है इंग्लिश मीडियम से, जिसमें अंग्रेजी का एक पद है जो जनरल है तथा दूसरा सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का एक पद है, यहाँ आपको मानदेय के रूप में 35,400 रुपये प्राप्त होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल जयनगर, तो यहाँ भी शिक्षक का पोस्ट खाली है, इसमें गणित का एक पद है। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भुवनेश्वरपुर, तो यहाँ भी शिक्षक का पद खाली है, जिसमें गणित का एक पोस्ट है तथा सामाजिक अध्ययन का एक पोस्ट है, और यहाँ मानदेय के रूप में 35,400 रुपये प्राप्त होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओड़गी, तो यहाँ भी शिक्षक का पोस्ट खाली है, जिसमें अंग्रेजी का एक पद है, सामाजिक अध्ययन का एक पद है तथा गणित का एक पद है, और यहाँ आपको मानदेय के रूप में 35,400 रुपये प्राप्त होगा, और ये सभी पोस्ट प्रतिनियुक्ति या संविदा के आधार पर होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भैयाथान, तो यहाँ भी शिक्षक का पोस्ट खाली है इंग्लिश मीडियम से, जिसमें अंग्रेजी का एक पद है, सामाजिक अध्ययन का एक पद है तथा गणित का एक पद है,
यहाँ भी उतने ही मानदेय हैं। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रेमनगर, यहाँ भी शिक्षक का पोस्ट खाली है, जिसमें अंग्रेजी का एक पद है जनरल से, सामाजिक अध्ययन का एक पद है जनरल से, तथा गणित का एक पद है ये भी जनरल से। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भुवनेश्वरपुर, तो यहाँ सहायक शिक्षक की पद खाली है इंग्लिश मीडियम से, जिसमें विज्ञान का एक पद खाली है ये जनरल है। यह मानदेय के रूप में आपको 25,300 रुपये प्राप्त होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओड़गी, अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल भैयाथान, यहाँ भी सहायक शिक्षक का पद खाली है, जिसमें गणित का एक पोस्ट जनरल से है, और यहाँ मानदेय के रूप में आपको 25,300 रुपये प्राप्त होगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रेमनगर से, तो यहाँ सहायक शिक्षक का इंग्लिश मीडियम का एक पोस्ट खाली है विज्ञान से। चलिए अगला देखते हैं, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रतापपुर, तथा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम भैयाथान और प्रेमनगर से, यहाँ प्रधान पाठक प्राथमिक अंग्रेजी मीडियम, तीनों जगह प्रधान पाठक की पोस्ट खाली है, एक एक पद है, तथा तीनों जनरल की पोस्ट है, और यह मानदेय के रूप में 35,400 रुपये दिया जाएगा। अगला है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल ओड़गी, यहाँ प्रधान पाठक माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम से, एक पोस्ट खाली है, जिसका मानदेय आपको 38,100 रुपये प्राप्त होगा। आप इसके आवश्यक दिशा निर्देश भी अच्छे से समझ लें। इसमें लिखा गया है कि आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना आपके पास अनिवार्य है। दूसरा है अभ्यर्थी कक्षा 10वीं से ऊपर संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इन पोस्ट के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो पद का नाम है व्याख्याता, इसमें वाणिज्य, इसकी शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय से स्नातकोत्तर की उपाधि अंग्रेजी मीडियम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण तथा बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा है सामाजिक विज्ञान व्याख्याता के लिए, इसमें भी आपको इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तथा सभी पोस्ट के लिए डीएड तथा बीएड अनिवार्य है। अगला है जीव विज्ञान, इसमें भी आपको वनस्पति शास्त्र प्राणी शास्त्र माइक्रोबायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम से। अगला है गणित, इसके लिए भी आपको गणित अप्लाइड गणित विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए आपके पास, तथा इन सभी के साथ आपके पास डीएड तथा बीएड भी प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है भौतिकी, इसमें भी आपको भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी अप्लाइड भौतिकी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि इंग्लिश मीडियम में आपके पास होनी चाहिए, साथ ही डीएड तथा बीएड भी प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है इंग्लिश, इसमें भी आपको इंग्लिश साहित्य विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अगला है व्याख्याता का हो गया आप प्रधान पाठक माध्यमिक शाला, इसके लिए आपको किसी विश्वविद्यालय से किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर की उपाधि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव भी अनिवार्य है। अगला है शिक्षक अंग्रेजी से, तो इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विशिष्ट अंग्रेजी के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है शिक्षक सामाजिक विज्ञान, इसमें भी आपको इतिहास भूगोल अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान विषयों के साथ अंग्रेजी मीडियम से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है शिक्षक गणित से, तो इसमें आपको गणित भौतिकी रसायन विषयों के साथ अंग्रेजी माध्यम से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी मीडियम से स्नातक की उपाधि न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण एवं बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, तथा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव भी अनिवार्य है। अगला है सहायक शिक्षक सामाजिक अध्ययन से, तो इसके लिए आपको हायर सेकेंडरी 12वीं कला संकाय के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण
तथा डीएड या डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए, इसमें भी आपको हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं में विज्ञान संकाय के साथ इंग्लिश मीडियम से तथा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा बीएड या डीएलएड की प्रशिक्षण अनिवार्य है। अगला है सहायक शिक्षक गणित के लिए, इसमें भी आपको 12वीं विज्ञान संकाय जिसमें गणित विषय शामिल हो के साथ इंग्लिश मीडियम से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा डीएड या डीएलएड का प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसकी कुछ जरूरी दिशा निर्देश। यदि आप इस विज्ञापन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कुछ दिशा निर्देश दिया गया है, आप इसे एक बार स्वयं अच्छे से पढ़ लें। मैं इसकी कुछ जरूरी पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें जरूरी क्या क्या पॉइंट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें 7वां नंबर यह कह रहा है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगला है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा 2012 के अनुसार 1/7/2021 की आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है कि आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपका 10वीं या 12वीं का अंकसूची मान्य होगा। इस पोस्ट के लिए आप आवेदन पत्र प्रारूप के अनुसार A4 साइज आकार के कागज पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से साफ साफ अक्षरों में भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र पासपोर्ट साइज का स्वयं सत्यापित रंगीन नवीनतम फोटो चिपकाना होगा तथा स्वयं का पता लिखा 2 लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लें तथा समझ लें कि जिन महिलाओं के लिए 18 वर्ष एवं पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करने वाले उम्मीदवार इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ऐसे उम्मीदवार आवेदन न करें। तथा अगला पॉइंट है कि प्रत्येक विषय हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि इस पोस्ट के लिए चयन प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें पहला नंबर यह कह रहा है कि प्राप्त आवेदन पत्रों की सूक्ष्मता से जांच के लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी जो स्वीकृत पदों की 10 गुना होगा। मेरिट सूची में साक्षात्कार हेतु निर्धारित वेटेज को छोड़कर शेष योग्यताओं के वेटेज को शामिल करते हुए बनाई जाएगी। दूसरा है आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता अर्थात 10वीं और 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर एवं बीएड डीएड में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्तानुसार वेटेज होगा। अगला पॉइंट है कि तैयार मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच तथा साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। अगला है मूल प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के अंकों को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगला है चयनित अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची संविदा पदों पर कार्यभार ग्रहण करने वालों की संख्या कम होने एवं कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात पद त्याग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रखा जाएगा। आप इस पोस्ट के लिए आवेदन दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को शाम 5 बजे तक पंजीकृत या स्पीड डाक या स्वयं के द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।